हेलो बच्चों, आ गए आपका 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 पे। तब तक के लिए आपको मैंने कहा था, थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था, कर भला तो हो भला। अपने यार दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने इन सब में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी भला हो। चलिए, भलाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दन दन आते रहिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी हमें दे रखा है कॉन्ग्रुएंट, तो प्रूव करना है ए डी ई। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, और इसमें हमें ये डी और ई गिवेन है। ये ट्रायंगल बन रहा है ए डी ई और ए सी डी। एक ट्रायंगल ए बी ई ए सी डी, ये दो ट्रायंगल गिवेन है। ट्रायंगल ए हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, और कुछ नहीं गिवन है, बस ये दोनों ट्राइंगल गिवन है। हमें करना है टू प्रूव ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये जो छोटा ट्राइंगल है ना, वो बड़े वाले ट्राइंगल के पूरे इक्वल होना चाहिए। प्रूफ में देखिए, सब कुछ हमें गिवेन है। इसी में ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, सो ए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी ई में से, तो ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड या ए इक्वल टू नहीं रखें, इसको अपॉन रखें, सिमिलर रखें। दैट मीन्स ए बी अपॉन, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लिख सकते हैं ए डी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। ये होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में देखे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन आ रहा है। ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है, तो गिवन में हो गया ये। सो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, अरे कॉन्ग्रुएंट दे रखा है तो ये बराबर होगा, ठीक कर रहे थे, ये यहां पर सिमिलर करना है हमें। ए डी ट्राइंगल ए बी सी, ये आप इसको यहां पर चेंज करना, ये हमने कॉन्ग्रेंट्स को सिमिलर समझ लिया। ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई, यहां लिखेंगे सी पी सी टी,
और फिर ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई। गिवन के जगह लिख दीजिए प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। अब ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फिर इसमें भी आपको फिगर गिवन है, दो परपेंडिकुलर गिवन है, तो पहले हम लोग फिगर बना लें एबीसी ए बी और ये साइड हमें सी दे रखा है। गिवन फिगर होगा तो नाम भी हमें वैसा ही लेना होगा, सी से परपेंडिकुलर सी ई आ रहा है, और ए से परपेंडिकुलर ए डी जा रहा है बीसी पर, ये परपेंडिकुलर दे रखा है हमें। गिवन है एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पी, ये पॉइंट पी है, दोनों एल्टीट्यूड दे रखा है, शो करना है। तो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई इंटरसेक्ट एट पी टू प्रूव। फर्स्ट में हमें प्रूव करने को कह रहा है, इसमें चार प्रूफ है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, सेकेंड कह रहा है हमसे ए बी डी सिमिलर टू सी बी ई, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू सी बी ई। थर्ड पोर्शन कह रहा है आपसे प्रूव करने को, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, और फोर्थ कह रहे हैं कि ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहला नंबर, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी ये छोटा वाला और सी डी पी, इसमें क्या क्या होगा, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90, इसको एंगल वन और इसको टू लिख दें, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ए ए सिमिलरिटी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई ईच 90, और ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, इसमें भी ए ए
सिमिलरिटी। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड पार्ट में, इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, एईपी और एडीबी, एईपी और एबीडी, इसमें भी फिर से वही एंगल वन, ये जो एंगल आएगा इस ट्राइंगल में, एंगल ये वाला एंगल डी ए ई, डी ए बी लिखो, क्योंकि डी ए बी हमें लिखा हुआ है, यहां पर बी है तो बी वाला पहले नहीं लेकर हम लोग लिखें पी ए, पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, कॉमन है, नाम बदल दिया, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी इच 90, सो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी ए ए सिमिलरिटी। अब लास्ट में पी डी सी, पी डी सी ये वाला ऊपर वाला, और बी ई सी, बी ई सी दोनों में पी ये एंगल कॉमन हो जाएगा, एंगल थ्री कर दें, अगर पी सी डी लेते हैं एंगल पी सी डी में एंगल थ्री कॉमन आ जाएगा और बाकी 90 90। तो ये भी आपको के लिए मैं छोड़ता हूं, ये आप करोगे, ये भी ए ए सिमिलरिटी से होगा, एक डी इज इक्वल टू 90, ई इज इक्वल टू 90, और एक एंगल थर्ड सिमिलर, तो ये आप कर सकते हैं, इसको सेम प्रोसेस से करना है, इसलिए एक पार्ट आपके नाम पे। फिर भी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर, हम लोग एट्थ पे पहुंचते हैं, इसको साफ करें। देखिए क्वेश्चन नंबर एट्थ में फिर हमें फिगर दे रखा है, और फिगर में तो हम इसको प्रूव करते हैं, ई इज द पॉइंट। आपको ये फिगर नहीं भी दे सकता है, पेपर में नहीं होगा, तो ई इज द पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरलोग्राम ए बी सी डी। पहले हम लोगों को एक पैरलोग्राम बनाना है, ए बी सी डी, और ए डी साइड को प्रोड्यूस करना है ई पॉइंट तक, ई को बी से मिलाना है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एफ पे कट कर रहा है, ये हमें गिवेन है, गिवेन। साइड ए डी produce to E and join to B it intersect at F of side CD, CD को F point पे intersect किया, figure बन गया। अब हमसे पूछ रहा है so that triangle ABE, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी ई और ए बी ई सिमिलर होगा सी एफ बी, सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ए बी ई ये पूरा वाला ट्राइंगल सी एफ बी यानी इस ट्राइंगल के, इसके लिए देखिए ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू और एंगल, अगर हमने इसको लिया तो एंगल, चलो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। इन ट्राइंगल प्रूफ, इन ट्राइंगल
ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल वन एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री अल्टरनेट. सो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ए ए सिमिलरिटी हो गया. क्वेश्चन नंबर एक तक कंप्लीट. अगला क्वेश्चन नाइन से आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे. तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर और प्रॉब्लम हो तो कमेंट. इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में.